अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज बेगम है। मैं आड़े पार की दरगाह के पास बिस्मिल्लाबाद मस्जिद की गली में रहती हूँ। मेरे घर में मैं फंक्शन को गई थी, 10 बजे गई, 2 बजे आई। मैं अभी आते जस्ट मेरे पास घर को आते मेरा घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, हर वो चीज़ बिखरी हुई है। टीवी गायब है मेरे घर में, ऊपर से कई चीज़ें गायब है, जेवर गायब है, रानी हार, बच्चे की गले की छोटी चैन, पदक गायब है एक, और बोलते सो कैश एक 10,000 था पेटीकोट के अंदर, और बोलते सो पर्स के अंदर 2,000 रुपए थे। और हमारे घर वालों के ये फाइनेंस से देखिए, आप ये स्थितियाँ हैं, आप देख सकते हैं। अप्रैल में बन के अनमोल फाइनेंस वालों ने जाके पूछ सकते, इनके पैसे भी एकदम पूरे दिए, नहीं तो ऑटो खींच लेते। बोले तो इनको पूरे एकदम 10,000 देने के करीब के थे, चिलर 3,500 रुपए के करीब में हम लोग जमा करे तो थे, ये पैसे वो पैसे मिला के वो पैसे भी चले गए, और भपका गया मेरा घड़ा गया तांबे का, बच्ची को शादी कैसे बोल के ला के रखे तो, और बोलते सो लगन जो आता अपना तांबे का वो गया, डोंगा घड़ा, ये 5-6 आइटमा गए भाई। टीवी भी गए, LED टीवी 3 महीने हो रहा है टीवी होके, टीवी की भी बिल है मेरे पास, आपको वो भी पेश करती हूँ। इससे हम लोग ये बंदलगुड़ा सोहेल कॉलोनी बोल के है, KCR का जो हॉस्टल है ना, रॉयल सी होटल के पास, तो वहाँ पे हमारे को दावत थी आज, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, मैं हमारे घर वाले बच्चे पूरे मिलके। आपको वैसा पता चला यहाँ पर? हम लोग जस्ट घर का दरवाजा खोले तो हमारा जो जाली वाला डोर है वो डोर को लॉक टूटा हुआ था, हम लोग एक डोर को अंदर से लगा के जाली को कुफल डाल के बाहर के दरवाजे लगाते थे। हाथ तक पूरा सामान बिखरा हुआ रहने की सूरत में हम ना डर के क्या करे, कोई सामान को हाथ नहीं लगा, सीधा मल्हारदेवपल्ली PS बिल्कुल मल्हारदेवपल्ली PS वालों को फोन करे, वो लोग आके देख के करके गए, सुबह 10 बजे आने के लिए बोले। अरे मेरी गुजारिश है भाई, यहाँ पे हमेशा यही होते रहता, मेरे घर में ये दूसरी बार है ये वारदात हो रही, सो मालूम समझ में नहीं आ रहा चोर कौन है, कि अब हमको चोर हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, किसको बोलना क्या है, कोई चोर को हमारे को पकड़ के लाके कोई देने वाला नहीं। हम गरीब सुबह उठे तो हमारे घर वाले ऑटो को जाने वाले, जाके मेहनत करके आते साफ।